अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। माय नेम इज जाफरान और आज की इस वीडियो में हम हायर आर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। अपनी लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको आपके सामने एक स्पेसिफिक केस रखा था, दैट वाज सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमने उसका एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन सपोज किया और उसका हमने जनरल सॉल्यूशन फिर फाइंड किया था। सो आज की इस वीडियो में हम थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन जनरल की बात कर लेते हैं। सपोज करता हूं मैं आपके पास ये ए एन वाई एन प्लस ए एन माइनस वन वाई एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए टू वाई डबल प्राइम प्लस ए वन वाई प्राइम ए नॉट वाई गोज टू जीरो। ये आपके पास एक nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी हमारे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन होगी वो आपके पास इस फॉर्म में होगी, वेर आपके पास ये जो ए नॉट है ए वन ए टू अप टू ए एन माइनस वन ए एन आपके पास ये कॉन्स्टेंट कोफिशियंट है। सो बेसिकली आपके पास कोई भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सबसे पहले हमने उसकी एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे और उस उन रूट्स की जो नेचर होगी वो हमें बताएगी कि हमारे पास गिवन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन किस फॉर्म में होगा। सो केस नंबर वन क्या है, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन द फॉर्म ऑफ जनरल सोल्यूशन विल बी। अगर आपके पास जो गिवन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो करस्पॉन्डिंग हमने एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड की है, अगर उसके रूट्स जो है वो रियल हो और डिफरेंट हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, सेम ना हो, उस केस में आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म होगी दैट विल बी वाई इज इक्वल टू सी वन ई टू रेज पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू रेज पावर एम टू एक्स प्लस सो ऑन अप टू आपके पास जितने भी रूट्स होंगे। लेट्स सपोज आपके पास 10 रूट्स है तो एम 10 तक जाएगा एंड सो ऑन। केस नंबर टू क्या है, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर आपके पास जो रूट्स हैं वो रियल हों और इक्वल हों, एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स अगर रियल हों और इक्वल हों, उस केस में आपके पास जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म ये होगी। ये बेसिकली आपके पास जो c1 c2 c3 नजर आ रहे हैं ये कांस्टेंट हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, आगे मूव करते हैं, आगे हम चल के इन दोनों केसेस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और केस नंबर थ्री जो है वो भी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। सो इस टॉपिक से रिलेटेड जो हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड पहले एक दो एग्जांपल्स मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस की हैं। सो आज हम एग्जांपल नंबर थ्री को डिस्कस करते हैं, सॉल्व द थर्ड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई ट्रिपल प्राइम प्लस थ्री वाई डबल प्राइम माइनस फोर वाई गोज टू जीरो। सबसे पहले हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम एक एक्सपोनेंशियल टाइप सॉल्यूशन को सपोज करते हैं y goes to e to raise power mx। सो देन करस्पॉन्डिंग एक्सिलरी इक्वेशन विल बी, आपने बेसिकली क्या करना है, इसका फर्स्ट प्राइम लेना है, इसका सेकंड प्राइम लेना है, इसका थर्ड प्राइम लेना है, सेकंड प्राइम को और थर्ड प्राइम की जो भी वैल्यू होगी उसको यहां पे पुट करना है, वाई की जगह पे आपने ई टू रेज पावर एम एक्स रखना है, तो सारी टर्म में e टू रेज पावर mx कॉमन हो जाएगा, उसको आप कॉमन ले लेना और बाकी आपके पास जो टर्म बचेगी वो इस फॉर्म में होगी। सो बेसिकली e टू रेज पावर mx डज नॉट इक्वल टू जीरो और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इसको हमने सॉल्यूशन सपोज किया है तो आपके पास ये वाली टर्म जीरो होगी। सो ये बेसिकली इसको मैंने वन बोला है, ये आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन है फॉर द गिवन थर्ड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसके रूट्स हम फाइंड करेंगे, फ्रॉम वन इट इज क्लियर दैट m इज इक्वल टू वन इज सॉल्यूशन। m को यहां पे आप पुट करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आती है, इसका मतलब है कि m इज इक्वल टू वन आपके पास सॉल्यूशन है। तो m इज इक्वल टू वन बेसिकली इसका एक रूट है, इसको बेसिकली आप रैशनल रूट थ्योरम से भी डिस्कस कर लेते हैं, रैशनल रूट थ्योरम को यूज करते हुए भी आप m इज इक्वल टू वन को, सो बेसिकली हम रैशनल रूट थ्योरम को यूज करते हुए भी m इज इक्वल टू वन को इक्वेशन नंबर वन का रूट प्रूव कर सकते हैं। सो इसको यहां पे मैं डायरेक्ट कर दिया, आई होप सो आपको ये रैशनल रूट थ्योरम का आइडिया है। सो m माइनस वन इज फैक्टर ऑफ वन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फॉर m इज इक्वल टू वन। आप बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है कि सबसे पहले आपने गिवन जो इक्वेशन आपके पास होती है उसको आपने डिसेंडिंग पावर ऑफ गिवन वेरिएबल में लिखना होता है। देखिए ये पहली लिखी हुई है एम क्यूब एम स्क्र एम, यहाँ पे वन होना चाहिए वो नहीं लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे एम जीरो ये लिखा हुआ है। सो इसके कोफिशियंट हम यहाँ पे लिखते हैं वन थ्री, यहाँ पे एम का कोफिशियंट नहीं है तो एम का कोफिशियंट हम जीरो सपोज कर सकते हैं, और यहाँ पे लास्ट पे फोर लिखा हुआ है माइनस फोर। अब सबसे पहले हम वन को नीचे ले आते हैं, अब आपके पास जो रूट है उस रूट को आप वन के साथ मल्टीप्लाई करें, वन मल्टीप्लाई वन आंसर इज वन, थ्री प्लस वन इज फोर। अब वन को फोर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे फोर आ गया, जीरो प्लस फोर आंसर इज फोर, वन को फोर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज फोर, तो माइनस फोर प्लस फोर यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया। जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि ये जो वन है बेसिकली वो इसका सोल्यूशन है। सो अब आपने क्या करना है कि जो बाकी ये वन फोर फोर बचा है इसको आपने
एक पावर कम करके लिखना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वेयर प्लस फोर एम प्लस फोर यहां पे गोज टू जीरो। सो अब बेसिकली ये जो गिवन क्यूबिक इक्वेशन थी उसको हमने क्वाड्रेटिक में विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन उसको हमने क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर लिया है। सो इसको आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। सो हेंस एम क्यूब प्लस थ्री एम स्क्वेयर माइनस फोर इज इक्वल टू एम माइनस वन। आपने ये रूट आपने पहले ही विद द हेल्प ऑफ रैशनल रूट थ्योरम देख लिया था एम माइनस वन, या आप कॉमन सेंस भी थी इसको आप इजिली देख भी सकते थे कि एम इज इक्वल टू वन जो है वो इसका रूट है। सो बाकी आपके पास क्या बचा, एम स्क्वेयर प्लस फोर एम प्लस फोर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बनेगा गोज टू जीरो। अब एम माइनस वन को तो हमने जीरो पुट किया तो यहां से एम वन इज इक्वल टू वन आ गया। अब ये आपके पास क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप फैक्टराइज कर लें या इसको आप कंप्लीटिंग स्केयर से इसका इस फॉर्म में स्केयर कंप्लीट कर ले, एम प्लस टू गोज होल स्केयर गोज टू जीरो। यहां से एम टू इज इक्वल टू माइनस टू और एम थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। अगर आप गौर करें तो एम टू और एम थ्री जो है वो दोनों रियल तो हैं लेकिन इक्वल भी हैं। सो फॉर्म ऑफ जनरल सोल्यूशन क्या होगी फॉर द गिवन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू सी वन ई टू रेज पावर एम वन। सो आपके पास जो फॉर्म ऑफ जनरल सोल्यूशन होगी उसको हम देख लेते हैं। क्योंकि आपके पास M2 और M3 आपके पास जो है वो रियल तो है लेकिन इक्वल भी हैं, तो इन दोनों का जो कंबिनेशन होगा उसमें आपके पास केस नंबर टू यूज होगा। सो y इज इक्वल टू सी वन ई टू रेज पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू रेज पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स ई टू रेज पावर एम थ्री एक्स। देखिए आपके पास जिसको मैंने बॉक्स में इनक्लोज किया है आपके पास ये क्योंकि रियल रूट्स यहाँ पे रियल तो है लेकिन इक्वल भी है, तो उस केस में हमने केस नंबर टू को यूज किया है एज एम टू इज इक्वल टू एम थ्री। सो यहाँ पे आप एम वन एम टू एम थ्री की वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये जो वाई की वैल्यू आई है बेसिकली ये जनरल सोल्यूशन है फॉर तकरीबन थर्ड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है और अभी हम एग्जाम्पल नंबर फोर को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाएं।